नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के चलते आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विजय सिंह जी की हत्या हुई। आपने हत्या किया है नीतीश बाबू, आपकी सरकार के गुंडों ने हत्या करने का काम किया है। आज नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार में जनरल राज रिटर्न किया, ऐसे हजारों की संख्या हमारे कार्यकर्ताओं को पीटने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। ये लोकतंत्र की हत्या है। आप नीतीश बाबू ना 10 लाख नौकरी दे सकते हैं, ना बिहार में सुशासन कर सकते हैं। पटना में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर गुरुवार को हुई पुलिस लाठीचार्ज को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी सड़क से सदन तक आंदोलन कर रही है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सोची समझी साजिश के तहत बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई गई है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तरह से बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या करवाई है, जिस पर भाजपा सरकार से जवाब मांग रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, वो जरा सुने आप लोग। ये हत्या है, ये इंजरी नहीं है। नीतीश कुमार जी ने भाजपा के एक वीर सपूत को की हत्या करवाई है। विजय सिंह जी हमारे बहादुर साथी थे और उनकी हत्या नीतीश कुमार जी ने कराई है, ये सीधा आरोप है। नीतीश कुमार जी ने लाठी चलवाया, आंसू गैस छुड़वाए और हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता आज एडमिट है। हमारी बहन भाग मीना झा जी को पूरा हेड पर मार के माता तोड़ने का काम किया, ऐसे हजारों संख्या में आप इसे बंटी से लेकर अभी हम गए थे जयप्रकाश और चेकल एम आई के, वहाँ भी लगभग 20 आदमी से अधिक लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई? प्रशासन को बताना चाहिए। हमको शांति पूर्वक हम लोग मार्च कर रहे थे और शांति पूर्वक मार्च कर रहे थे, पुलिस ने डंडा और लाठी का प्रयोग किया और हत्या करने का काम किया। महोदय से हम लोग आग्रह किए हैं, समय मांगे हैं, विजय जी वार्ता उनसे किए हैं। जैसे ही गवर्नर साहब बिहार आते हैं उनसे मिलकर भी एक डेलीगेशन मिलकर उनको पूरी जानकारी हम देने का काम करेंगे। साथ ही साथ विधानसभा में और विधान परिषद में जब 11 बजे दोनों सदन खुलेंगे तो सरकार से जवाब भी मांगेंगे कि आपने लाठी क्यों बरसाई, ये जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हम तो शांति से, हमने एक सप्ताह पहले ही सूचना दिया था बिहार प्रशासन को कि गांधी मैदान से चलकर विधानसभा मार्च हमारा अभियान होगा। रास्ता हम लोगों ने बताया कि हम जो है डाकबंगला चौरा होते हुए आएंगे। कोई रोक नहीं लगाया गया, कोई 144 नहीं लगाया गया, कोई सूचना नहीं दिया गया, कोई सूचना हम लोगों को नहीं दिया गया। इसके बावजूद हम लोगों पर लाठियां चलाने का काम नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने किया। और परसों के जिसकी उत्पत्ति लालू प्रसाद जी ने किया था, आज नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार में जंगल राज रिटर्न किया। और जब से ममता दीदी के संरक्षण में नीतीश कुमार जी गए तो आज बंगाल और बिहार की स्थिति सेम हो गई। वहां भी लोकतंत्र खत्म है और बिहार में भी लोकतंत्र खत्म करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के चलते आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विजय सिंह जी की हत्या हुई। और मैं कई चैनलों पे देख रहा हूं कि कुछ डॉक्टर का बयान आ रहा है, कुछ भाग और कुछ सरकार के लोगों का बयान आ रहा है। अरे अभी पोस्टमार्टम हुआ कहां,
पहले पोस्टमार्टम तो कराओ, तब तो पता चले आपने हत्या किया है। नीतीश बाबू, आपकी सरकार के गुंडों ने हत्या करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी इसकी पूर्ण रूप से निंदा करती है और आपके खिलाफ आपने लगभग 1000 ऐसे कार्यकर्ता हमारे पूरे बिहार के हैं जिनके किसी के हाथ टूटे हैं, किसी को 14 टका पड़ा है, किसी के माथे में चोट लगा है। हमारी एक बहन मीना झा जी है जिनके हेड में इंजुरी हो गया, इतनी लाठियां बरसाई गई। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब सांसद है, Y+ कैटेगरी के सुरक्षा में है, उसके बावजूद उनको पटना पुलिस ने मारकर उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया। ऐसे हजारों की संख्या हमारे कार्यकर्ताओं को पीटने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। ये लोकतंत्र की हत्या है। आप नीतीश बाबू ना 10 लाख नौकरी दे सकते हैं, ना बिहार में सुशासन कर सकते हैं और ना बिहार में भ्रष्टाचार को समाप्त कर पाए। अब तो आप संरक्षण देने वाले व्यक्ति हैं। साथ साथ मंत्रियों का इस्तीफा हुआ भ्रष्टाचार के नाम पर, अपराधी के नाम पर, और आज उप मुख्यमंत्री से आपको हिम्मत नहीं है कि आप इस्तीफा मांग सकिए। नीतीश बाबू, इतना दिन खराब हो चुका है, बिहार की जनता आपसे हिसाब करेगी। कल भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया पूरे बिहार में हम ब्लैक डे काला दिवस मनाएंगे और साथ दिन में पुतला दहन भी बिहार में नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी यादव का पुतला दहन भी करने का काम किया जाए। महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोग आग्रह किए हैं, समय मांगे हैं, विजय जी वार्ता उनसे किए हैं, जैसे ही गवर्नर साहब बिहार आते हैं उनसे मिलकर भी एक डेलीगेशन मिलकर उनको पूरी जानकारी हम देने का काम करेंगे। साथ ही साथ विधानसभा में और विधान परिषद में जब 11 बजे दोनों सदन खुलेंगे तो सरकार से जवाब भी मांगेंगे कि आपने लाठी क्यों बरसाई, ये जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हम तो शांति से, हमने एक सप्ताह पहले ही सूचना दिया था बिहार प्रशासन को कि गांधी मैदान से चलकर विधानसभा मार्च हमारा अभियान होगा। रास्ता हम लोगों ने बताया कि हम जो है डाक बंगला चौराहा होते हुए आएंगे। कोई रोक नहीं लगाया गया, कोई 144 नहीं लगाया गया, कोई सूचना नहीं दिया गया, कोई सूचना हम लोगों को नहीं दिया गया। इसके बावजूद हम लोगों पर लाठियां चलाने का काम नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने किया और परसों के दिन पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जिला में और मंडलों में हम धरना देंगे। हमारे जो 20 साथी शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भी देंगे और नीतीश कुमार के सुशासन के खिलाफ भी धरना देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये काला अध्याय था और इस काले अध्याय में हमारे वीर साथी हमको छोड़कर चले गए, ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा साथी, हमारा परिवार, भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री की हत्या नीतीश कुमार जी ने कराया, तेजस्वी यादव ने कराने का काम किया। धन्यवाद। आदरणीय विजय सिन्हा जी से आग्रह करूंगा। तो आपने सुना, सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को तुरंत से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लाठीचार्ज ये सोची समझी साजिश के तहत कराई गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।